पहले के जमाने में कैमरा हुआ करता था, अब तो आगे को लगो जो मूवी आल चल रहा कैमरा तो गायब ही, मोबाइल ना कर दो, अब तो चाहे जाए एक एक, एक, एक जने अभी देवी जी को आशीर्वाद लेके आए थे माता की चुनरी, अभी मोबाइल निकालते बोले गुरु जी सेल्फी हो जाए, आजकल प्राण तो खाए सेल्फी, हाँ जितने भी उपद्रव हो रहे सेल्फी के लाने हो रहे, हाँ प्राण खाए सेल्फी मोबाइल ले मोटेड़ो करे मोटेड़ो करे समझ जाओ सेल्फी आए। यहाँ पर तो बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं, हमारे आपके जमाने में कैमरा चलता था, हम आप मतलब हम ज्यादा बूढ़े नहीं भैया, मतलब कुल तो हैं 25 साल आगे के लगे कड़ गए ऐसे ही, और हमारे आपके जमाने में हमने तो बड़ा करीब से देखा, गांव के आदमी देहाती घूस हम अनपढ़ आदमी, तो हमने देखा है कि गांव में कैमरा चला करता था, अच्छा शादी के लिए फोटो जानी हो तो दो दिन पहले कैमरा वाले को बताया जाता था आप आना खींच देना फोटो, रील का जमाना, कैमरा वाला आता था सुबह से चार बार पाउडर लगा ली थी, अभेलो नहीं हुआ कितनी देर में आया, एक बढ़िया पर्दा टांग लिया पीछे, बढ़िया तेल ज्यादा लगाकर बालों को ऊंच लिया, तीन चार बार पाउडर लगा लिया, जैसे ही वो आया आइए आइए, उस जमाने में कैमरा वाले के भी भाव बड़े होते, वो भी आगे को लोगो एक घंटा बाद आओ, हाँ और जैसे ही कैमरा वाला अच्छे आ गए अच्छे आ गए जरा फोटो खींचो, वो कितना गवार हो कितना अनपढ़ हो अंगूठा छाप हो, लेकिन कैमरे वाले को एक चीज सीखनी पड़ती थी, गांव से गांव में वो कैमरा लेता था, जैसे ही खड़े होते थे वो कहता था प्लीज स्माइल, आप मुस्कुराइए, और जैसे ही उसने इतना कहा प्लीज स्माइल स्वपन और तुरंत दांत ने कहा सही, कैमरा वाला फोटो खींच खींच देता था, अब उस जमाने में तो तुरंत दिखती नहीं थी, 10-15 दिन बाद जब रील धुलने जाती थी, चार बार जब तक कैमरा वाले के पास होना आओ तब लोग लगता ही ना थी फोटो खींच गई, चार बार कहे भैया आ गई कल आएगी कल अभी नहीं कल कल आना इकट्ठी हो जाए, जब आप लेने जाते थे वो फोटो देखते थे आहा बताओ हमारी फोटो क्या मुस्कुराहट है हमारी क्या रूप है आहा। साधु इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं दो क्षण मुस्कुराने से जब चित्र अच्छा आ सकता है जिंदगी भर मुस्कुराइए जिंदगी भी अच्छी आ सकती है, आप मुस्कुराते अच्छा मुस्कुराने में, लेकिन बहुमत मुस्काना एक और है, मुस्कुराना अलग है बहु मुस्काना अलग, हाँ ये बहुत गंभीर वाली बात है, रामायण में जब शूर्पनखा आई राम जी के पास तो बहु मुस्काई, चौपाई में आया है जब शूर्पनखा आई तो बहु मुस्काई, बहु मतलब ज्यादा मुस्कुराई, सो फिर का बो रड़वाल की नाक कान कट गई, बोलो सीताराम ज्यादा मुस्कुराओगे तो नाक कान कट जाएगी, मीठा मीठा जिंदगी का आनंद लेने के लिए मुस्कुराओगे तो जिंदगी बढ़िया कट जाएगी, बोलो सीताराम अब आपके ऊपर है नाक कान कटाना है या बचाना है, बोलो बचाना है ना, तो एक काम करो भूत भावन भोलेनाथ की सेवा करो, मेरे पागलो तुम याद रखना मृत्यु महोत्सव है, बहुत से लोग कहते हैं मृत्यु बहुत बुरी होती है, लेकिन जो मौत को समझ जाता वो उसमें ही महोत्सव मनाने लगता है, मृत्यु महोत्सव है वो तो शाश्वत है, जो आया है वो जाएगा, ऐसा कोई नहीं जगत में जो मृत्यु से बच पाया हो, क्या राजा क्या फकीर, और याद रखना इस जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशान कोई करता है तो वो तुम्हारी कामना है, तुम अगर मंच के पास आ गए तो तुम चाहते हो मैं मंच पर बैठ जाऊं, जो सामने बैठते हैं बैठे हैं वो चाहते हैं कि मैं और आगे आ जाऊं, जो पीछे खड़े हैं वो चाहते हैं मैं पंडाल में बैठ जाऊं, और जो पंडाल में बैठा है वो चाहता है मैं सबसे आगे पहुंच जाऊं, दुनिया का खेल है, जो प्राप्त नहीं होता उसकी कीमत भले ही दो कौड़ी की हो पर उसे करोड़ों का समझता है, और जो प्राप्त हो जाता है उसकी कीमत भले ही करोड़ों की हो उसे दो कौड़ी का इंसान समझता है,
ये जिंदगी का खेल है। जिन्हें बागेश्वर वाले मिल गए उन्हें लगता है ये तो एमए है, चाहे जहां चल दो फूल माला लो, चाहे जब फोटो खिंचवा लो। जो नजदीक नहीं आ पाए उनके दिल से पूछो कि क्या क्या मशक्कतें, कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, कहीं पुलिस की, कहीं लोगों की, कहीं सेवादारों की। ये जिंदगी है यारो, जिसे जो प्राप्त है उसकी कीमत नहीं समझता। ये बात हम अपने ऊपर नहीं कह रहे, हम आपके लिए कह रहे हैं। याद रखना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वरना तुम जब तक जियोगे तब तक तुम दुख भोगते रहोगे। मत परेशान हो मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कभी मिलाने का, मिलने का मौका मिले, मांगने का मौका मिले तो तुम उसको ही मांग लेना जो दुनिया को देता है, कह देना बस तुम हमारे हो जाओ। जब देने वाला दाता तुम्हारा हो जाएगा तो तुम मनमाना राज करोगे, बहुत प्यारी जिंदगी जियोगे। एक गांव में एक फकीर रहता था, चला जा रहा था रास्ते से। फकीरों का काम तो अद्भुत होता है। बीच रास्ते में एक दिन मौज आया फकीर को, बीच रास्ते में लेट गया। फकीरों का तकिया और बिस्तर हमेशा साथ रहता है, हाथ की तकिया, जमीन का बिस्तर बना करके लेट गया। उस समय का कोई राजा सम्राट, बहुत बड़ा राजा, सवारी लेकर के निकला। रास्ते में आया तो उसके मंत्रियों ने कहा, ए बाबा उठ उठ उठ, क्यों तुझे पता नहीं सम्राट आ रहे हैं, रास्ता दे। मुस्कुराते हुए उस फकीर ने कहा, सुन जाकर अपने सम्राट को बोलो अभी दुनिया का सहनसाय आराम फरमा रहा है, या तो इंतजार करो या रास्ता बदलो। मंत्री का दिमाग खराब हो गया, दो कौड़ी के कपड़े तन पर ठीक नहीं है, लेटने के लिए भूमि भी नहीं है, क्या कह रहा है कि जाकर सम्राट को बोलो दुनिया का सहनसाय आराम फरमा रहा है, लगता है ये पागल है। याद रखना मेरे पागलों, दुनिया में जो पागल दिखाई पड़ता है वो हकीकत में पागल होता नहीं है। पागल का अर्थ होता है जो प्रभु को पाकर के उनमें गल जाए, उसी का नाम पागल है। दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को दुनिया पागल दिखाई पड़ती है। जो इस गली में आ जाता है मेरे कन्हैया की, उसे लगता है ये दुनिया पागल है, इतना प्यारा रस छोड़ करके ये सब, कहीं सुरा, कहीं मदरा, कहीं पार्टी, कहीं ये, कहीं वो, इस चक्कर में पड़ी है। जिस आनंद के लिए वो पार्टियों में जा रहा वो आनंद तो कथा में ऐसे ही बरस रहा है। जो यहाँ बैठा है उसे दुनिया पागल नजर आ रही है, लेकिन जो रोड पर चला जा रहा है कारों से, बसों से, उसे ये लग रहा है कि देखो पागलों की भौज बैठी है। दोनों को पागल दिखाई पड़ रहे हैं, हमें वो दुनिया वाले पागल दिखाई पड़ रहे हैं, उनको हम पागल दिखाई पड़ रहे हैं। पर कोई हमसे पूछे तो मेरे पागलों, सच तो यह है इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। राजा का मंत्री उसको सहनसाय, यानी वो फकीर कहता है जाओ अपने राजा को बोलो कि अभी हम आराम फरमा रहे हैं, बड़े आनंद में। राजा ने अपनी सवारी को रोकते हुए देखा तो आवाज दी, क्या हुआ? जवाब आया कि कोई पागल लेटा हुआ है, ऐसे लोगों को तो पागल ही दिखाई पड़ते हैं पक्कड़, कोई पागल लेटा है, अपने आप को सहनसाय बता रहा है। हो जरा मैं भी देखूं, दर्शन करूं कौन सहनसाय बन गया। राजा अपनी पालकी से उतरा, फकीर के पास आया, भाई तुम कौन हो? उस साधु ने कहा, तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं सम्राट हूं। हो कहां जा रहे हो, पहले तुम अपना परिचय दो। साधु ने कहा, मैं सहनसाय हूं। राजा ने कहा, दिखाई तो नहीं पड़ रहे। बोले क्यों, सम्राट के या सहनसाय के कोई अलग से पूंछ निकलती है क्या? नहीं। तुम जा कहां रहे, साधु ने पूछा। सम्राट ने कहा, सामने वाले देश के ऊपर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। क्यों?
विजय प्राप्त करना चाहता हूं। साधु ने पूछा फिर क्या करोगे? बोले अगर मैं इस देश को जीत लूंगा तो फिर मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा। ओ फिर क्या करोगे? अगर मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा तो फिर मेरा पूरे विश्व पर डंका चलेगा, राज होगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साधु ने फिर पूछा फिर क्या करोगे? बोले फिर कुछ नहीं, आराम के साथ सोऊंगा। साधु ने पकड़ा, एक जोर का चांटा लगाया, दुनिया को जीतने के बाद तू आराम से सोएगा, मैं बिना जीते दुनिया के आराम से सो रहा हूं, बता तू सहनशाह या मैं सहनशाह? कौन इतने प्रयोजन करे? लड़ाई लड़े, युद्ध लड़े, तय थोड़ी कि तू जीतेगा। कौन इतने प्रयोजनों में पड़े? मैं तुझसे अच्छा हूं, चाह गई चिंता गई, मनुआ बे परवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही सहनशाह। साधुओ, जिसके अंदर कोई चाह नहीं होती है वही राजा होता है। कोई अपेक्षा मत रखो, सोचो ही मत। सीताराम 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 कहिए, जाहीं भी दिला के राम, ताहीं भी दिले।